हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार, और मैं आज की इस वीडियो में झारखंड के जो करंट अफेयर्स हैं उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने रखने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अपकमिंग जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होने वाले हैं, चाहे वो झारखंड सचिवालय के हों, चाहे वो झारखंड जेटैट के हों, चाहे वो झारखंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो वैकेंसी आया है उससे रिलेटेड हो, झारखंड उत्पाद सिपाही हो, यानी कि जितने भी अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस झारखंड में होने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो में बने रहिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। आइए आज के पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला क्विज है आपके लिए कि झारखंड बजट 22-23 आगामी वित्तीय वर्ष में कितने मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये बाइलिंगुअल है, यानी कि जिनको हिंदी समझने में कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो इंग्लिश में भी वो देख सकते हैं कि झारखंड बजट 2020-23 हाउ मेनी मेगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हैज बीन टारगेटेड इन द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1000 मेगावाट, ऑप्शन बी 2000 मेगावाट, ऑप्शन सी 5000 मेगावाट, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1000 मेगावाट। यह है पहला क्वेश्चन जिसका झारखंड बजट 22-23 में कितना मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1000 मेगावाट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड बजट 22-23 में निम्न में से किस जिला में मेडिको सिटी की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चतरा, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी रांची, या फिर ऑप्शन डी बोकारो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रांची। तो किस जिला में मेडिको सीटों की स्थापना की जाएगी, रांची में की जाएगी। अगला प्रश्न है झारखंड बजट 22-23 निम्न में से किस जिला में तारामंडल की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवघर और दुमका, ऑप्शन बी हजारीबाग और रांची, ऑप्शन सी रांची और बोकारो, या फिर ऑप्शन डी बोकारो और धनबाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवघर और दुमका। देवघर और दुमका में तारामंडल की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा गया है, प्लेनेटेरियम। ठीक है, हर एक हिंदी क्वेश्चन के साथ उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यहां पर मेंशन किया गया है, ताकि जिसको भी दिक्कत होती है हिंदी समझने में वो इंग्लिश में भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, बजट 22-23 के अनुसार राज्य सरकार किस वर्ष तक सभी लोगों के घरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मतलब शुद्ध पेयजल, हर घर जल जो है वो किस वर्ष तक हो जाएगा। तो इसका आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2022, ऑप्शन बी 2023, ऑप्शन सी 2024, या फिर ऑप्शन डी 2026। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2024। अगला प्रश्न है, बजट 22-23 के अनुसार मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना किस जिले से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी बोकारो, या फिर ऑप्शन डी धनबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुमका। मसलिया रानेश्वर मेगा लिफ्ट योजना जो है वो दुमका जिले से शुरू करने की बात है। अगला प्रश्न है, बजट 22-23 के अनुसार एग्री ग्राम स्मार्ट योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में कितने गांवों का चयन किया जाएगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 150, या फिर ऑप्शन डी 200। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100। एग्री ग्राम स्मार्ट योजना के अंतर्गत पहले चरण में यानी कि फर्स्ट स्टेज में 100 गांवों का चयन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, बजट 2022-23 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष में कितने लाख लीटर दूध उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन का टारगेट कितना है। तो आपके ऑप्शन है 50 लाख, ऑप्शन बी 100 लाख, ऑप्शन सी 85 लाख, या फिर ऑप्शन डी 200 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 85 लाख। तो 85 लाख लीटर दूध का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 2022 और 23 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, बजट 2022-23 के अनुसार निम्न में से किस योजना के तहत डीप बोरिंग का कार्य किया जाना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एग्री स्मार्ट ग्राम योजना, ऑप्शन बी फसल राहत योजना, ऑप्शन सी जल निधि योजना, या फिर ऑप्शन डी इनमें सभी।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल निधि योजना। जल निधि योजना के तहत जो है डीप बोरिंग का कार्य किया जाना है। अगला प्रश्न है, बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कितना है, फिजिकल डिफिसिट जिसको कहा जाता है, वो कितना है झारखंड राज्य का? तो आपके ऑप्शन है 6902.5 करोड़, ऑप्शन बी 8902.5 करोड़, ऑप्शन सी 11286.47 करोड़, या फिर ऑप्शन डी 7902.5 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11286.47 करोड़। इतना रुपयों का राजकीय राजकोषीय घाटा अभी झारखंड में है, फिजिकल डिफिसिट। ठीक है, अगला प्रश्न है, बजट 2022-23 के अनुसार राज्य में कैपिटल एसेट्स का सृजन ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए वित्तीय वर्ष 21-22 की तुलना में कैपिटल क्वालिटी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 52%, ऑप्शन सी 62%, या फिर ऑप्शन डी 72%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 62%। आपके रोड हो गए, आपकी नालियां हो गई, आपके हाईवेज हो गए, ठीक है, आपका जो ट्रेन का जो लाइन होता है, रेलवे पटरी जो बिछता है, ये सारे जो होते हैं वो कैपिटल एसेट्स में आते हैं। तो इसमें कितने की वृद्धि की गई है 2021-22 की तुलना में? तो 62% की वृद्धि की गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 22-23 के अनुसार आगामी वित्त वर्ष में झारखंड की विकास दर कांस्टेंट प्राइस पर कितना रहने का अनुमान है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी 5.2%, ऑप्शन सी 6.12%, या फिर ऑप्शन डी 7.2%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6.12%। आगामी वित्तीय वर्ष में झारखंड की विकास दर जो है कांस्टेंट प्राइस पर 6.12% रहने की संभावना है। अगला प्रश्न है, बजट 2022-23 के अनुसार आगामी वित्त वर्ष 22-23 में मनरेगा के तहत कितने मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 15 करोड़, ऑप्शन बी 12 करोड़, ऑप्शन सी 14 करोड़, या फिर ऑप्शन डी 12.5 करोड़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12.5 करोड़। मानव दिवस सृजन करने का मतलब हुआ कि कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का कोशिश किया जाएगा मनरेगा के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 22-23 के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष 22-23 में शिक्षकों को कितने हजार टैब उपलब्ध कराया जाएगा? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 15,000, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 40,000, या फिर ऑप्शन डी 42,000। तो टैब जिसका टैब शिक्षकों को टैब आज के डेट में प्रोवाइड कराया जा रहा है झारखंड सरकार की तरफ से, तो आगामी वित्तीय वर्ष में मतलब कि 2022-23 जो अभी चलने वाला है उसमें कितने हजार टैब, टैब जो होता है ना लैपटॉप का छोटा भाई होता है टैब, ठीक है, तो वो कितना उपलब्ध कराने का बात किया जा रहा है? तो आपके ऑप्शन है 15,000, 20,000, 40,000, 42,000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 42,000। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस स्तर के शिक्षा में बाधाओं को दूर करने के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम प्रारंभ करने का प्रस्ताव है? तो गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है उसको प्रारंभ करने का प्रस्ताव है शिक्षा के स्तर में बाधाओं को दूर करने के लिए। ठीक है, तो किस स्तर का शिक्षा, कैसी शिक्षा में इसका उपयोग करने वाले हैं? तो आपके ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा में, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा में, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा में, या फिर ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा में, जो हाई स्कूल है उसके लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम को प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 22-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में झारखंड के सकल घरेलू में कितना प्रतिशत की गिरावट आई थी? सकल घरेलू में कितना प्रतिशत की गिरावट आई है, स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको कहते हैं उसमें कितना गिरावट आई है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 5.2%, ऑप्शन सी 6.12%, या फिर ऑप्शन डी 4.7%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4.7%। 4.7 का SGDP सकल घरेलू में उत्पाद में
कमी आई है, कितने की, तो 4.7% की। अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 22-23 राज्य विमानन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए किस नीति का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजकीय नगर विमानन नीति 2020, ऑप्शन बी राजकीय नगर विमानन नीति 2021, ऑप्शन सी राजकीय नगर विमानन नीति 2022, या फिर ऑप्शन डी राजकीय नगर विमानन नीति 2014। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजकीय नगर विमानन नीति 2022। तो 2022 के अनुसार विमानन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने तथा रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए राजकीय नगर विमानन नीति 2022 जो है उसका गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 2022-23 आगामी वित्तीय वर्ष किस योजना को प्रारंभ करने का प्रस्ताव है जिसके तहत डिग्री प्राप्त युवाओं को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। तो जो भी डिग्री होल्डर्स युवा हैं, ठीक है, जिनके पास डिग्री है लेकिन किसी भी तरह का अभी कोई जॉब नहीं लगा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी तैयारी के लिए भी गवर्नमेंट सोच रही है, ठीक है, तो उसके लिए कौन सी योजना का प्रारंभ करने का प्रस्ताव है, क्वेश्चन ये है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, ऑप्शन बी गुरुजी रोजगार योजना, ऑप्शन सी गुरुजी रोजगार सारथी योजना, या फिर ऑप्शन डी मुख्यमंत्री सारथी योजना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुख्यमंत्री सारथी योजना। जिनके पास भी बैचलर्स डिग्री है, जिनके पास भी मास्टर्स डिग्री है, उन्हें विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। किस योजना के तहत, तो मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत। अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 22-23 आगामी वित्तीय वर्ष में मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति का दायरा बढ़ाते हुए अब निम्न में से किस समुदाय को शामिल किया गया है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी अनुसूचित जाति, ऑप्शन सी पिछड़ा वर्ग, या फिर ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी। तो जो मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना है, मतलब कि जो छात्र जो विदेशों में जाकर पढ़ रहे हैं और उन्हें जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, किसके थ्रू किया जाता है, मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा योजना के तहत, तो इसमें अल्पसंख्यकों को, अनुसूचित जाति को और पिछड़ा वर्ग को भी जोड़ा गया है अभी के समय। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है, तो ये सबको आप लोग दिमाग में रखिएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 22-23 के अनुसार किस जिले में इंडस्ट्रियल कम लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दुमका, ऑप्शन बी साहेबगंज, ऑप्शन सी रांची, या फिर ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जमशेदपुर। अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 22-23 झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष में कितने लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो मतलब कि सोसाइटी फॉर स्किल ट्रेनिंग के लिए जो अपकमिंग जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें कितने लाख यूथ को टारगेट किया जाएगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 लाख, ऑप्शन बी 3 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख, या फिर ऑप्शन डी 2 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 लाख। 1 लाख युवाओं को जो कौशल विकास मिशन सोसाइटी द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा, ठीक है, ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो अगला प्रश्न है, झारखंड बजट 22-23 के अनुसार किस शहर में आधुनिक बस सेवा प्रारंभ करने की योजना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी धनबाद, या फिर ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी, मतलब कि रांची हो गया, जमशेदपुर हो गया, धनबाद हो गया, इसमें अभी आधुनिक बस सेवा जो है, मॉडर्न बस सर्विस को शुरू करने की बात चल रही है। तो दोस्तों ये थे झारखंड के करंट अफेयर्स, बिल्कुल अभी जो समसामयिकी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बिल्कुल अभी का करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसको एमसीक्यू के फॉर्म में मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया और जो ऑडियो सुन रहे हैं उन्हें ऑडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडु अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।